एक आम आदमी प्रेरित कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें सीबीआई की इंक्वायरी हो, जो भी जिसने भी मारा है उसको वो खुले खुलम खुला वो सामने आए कि मैंने उसे मारा, ताकि लोगों को पता चले कि ये इसको किसने मारा, किस तंजीम ने मारा और इसका वजह क्या था, इसका खून का वजह क्या था। जिस तरह पंचों सरपंच या कोई भी आदमी जो गलत काम करता है, कोई शराब कोई गलत कोई लड़कियों के साथ, उसका वीडियो आ जाता है कि भाई इसने ऐसे ऐसे काम किए थे, ताकि लोगों के सर्टिफिकेशन के लिए वो डालते हैं। तो आज भी हम ये वो सर्टिफिकेशन का वीडियो चाहते हैं कि उसको मारा क्यों गया है। वो मजलूमों की आवाज था, वो कश्मीरों की आवाज था, मजलूमों की आवाज को दबाया जाता है, 30 सालों से हमारी आवाज दबाई जाती है। हम चाहते हैं कि जो भी इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो इंसानियत का खून, अगर उसने कोई खता किया है, गलती किया है, मैं उसको एंडोर्स नहीं करता हूँ, मगर अगर उसको वो अगर मजलूमों की आवाज है, चाहे वो मेरी तरफ से बात, आज मैं उसकी तर्फ से बात कर रहा हूँ, मुझे उससे कोई दाज दर्ज नहीं है। एज ए इंडिविजुअल आज मैं आया हूँ, कल आपके लिए मैं उठूंगा, कल आपके लिए अगर कोई उंगली मारेगा, कोई गोली मारेगा, मैं उठूंगा। इनको क्यों मारा गया, आप कल मेरे लिए उठेंगे। इसी तरह मैं आज मैं उठाऊं एज ए इंडिविजुअल कश्मीरी, कल हजारों कश्मीरी लाखों कश्मीरी इधर आएंगे आपके ऊपर प्रेस इसमें क्लब में आपको आएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। इसको क्यों मारा गया, मजलूमों की आवाज को क्यों दबा। हमें ना इंडिया के साथ लेना देना है ना पाकिस्तान के साथ, वो बात की बात है, मगर हम चाहते हैं कि आज हम क्या चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की बात करें, हम क्या चाहते हैं, हमारी तकलीफों को देखें, हमारी परेशानी को देखें, हमारी जॉब्स देखें, हमारी रोजगार देखें, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। आज हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या हुआ है, आज हमारे एजुकेशन सेक्टर को क्या, हमारे हॉस्पिटल्स कहाँ है, हमारे मुलाजिमों को क्या हाल है। मुझे लगता है कि इसमें हाई लेवल पे इंक्वायरी होनी चाहिए, जैसे सुशांत वगैरह जो है इंक्वायरी बिठाई जाती है उनके लिए। ये तो हमारे लिए उठे थे, ये तो एक सोशल, मैं उनको बोलता हूँ सोशल एक्टिविस्ट पे, वो लोगों के लिए उठे थे। मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर फिल्म हो, इंक्वायरी हो जाए, सीबीआई की इंक्वायरी हो जाए, ताकि हमें पता चले कि इसका रियल मसला क्या था, क्यों मारा गया था इसको। थैंक यू सर।